ऑपरेटिंग सिस्टम के टोटल 30 MCQ प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे हॉस्टल वार्डन, लेबर इंस्पेक्टर, शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी के लिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टोटल 30 MCQ देखेंगे जो लेबर इंस्पेक्टर के 20 नंबर प्रश्न कंप्यूटर का पूछा जा रहा है। उसी प्रकार आपका कंप्यूटर में हॉस्टल वार्डन में 50 नंबर के प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉस्टल वार्डन का, जिन पे 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। उसी प्रकार लेबर इंस्पेक्टर का 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा जिसका एग्ज़ाम 24 जून को होने वाला है, यानी कि आपके पास मात्र 18 से 19 दिन बचा हुआ है जो आपका 24 जून को एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर आप लोग कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल निःशुल्क क्लास कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री है, डेमो क्लास मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आप हॉस्टल वार्डन, लेबर इंस्पेक्टर, शिक्षक भर्ती, आने वाले एग्ज़ाम जैसे सहकारिता विभाग, ADO, उसी प्रकार आपका बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जैसे फूड इंस्पेक्टर भर्ती, वहाँ से आपके कंप्यूटर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोग पहली बार आए हैं या हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सर, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर का प्रश्न, बिजनेस जगत में OS का अभिप्राय क्या है। तो OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपके आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जितने भी यहाँ पर देखिए, मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके व्यापम, PSC एग्जाम, जितने भी प्रश्न हैं बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रिंटर से संबंधित क्लास हम देख चुके हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, या फिर Part 3 वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है, लिनक्स एक क्या है। लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, लिनक्स क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कल के जो क्लासेस में देखे थे दो क्वेश्चन, उनका आंसर मैं आपको बता दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के सेवाओं तथा पहुँच के लिए कौन कौन सा इंटरफेस प्रदान किया जाता है, तो आपका हो जाएगा सिस्टम कॉल्स। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि DOS में फाइल की अधिकतम लेंथ कितनी होती है। तो DOS में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल की जो लेंथ होती है, यानी कि उसकी लंबाई होती है, आपका 8 होती है। ठीक है, 8। ठीक है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था, तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 1950 में विकसित हुआ था। वीडियो में आपको एक बार में याद नहीं होता तो वीडियो को दोबारा डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको यह फायदा होगा, यह लाभ होगा कि आप जब भी आप एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे तो वीडियो को एक बार देखे रहेंगे तो आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा। वीडियो को दो बार देखेंगे, वीडियो को अच्छे से कवर करेंगे तो आपको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, याद हो जाएगा। कभी भी एग्ज़ाम दिलाने जाओगे तो दिमाग में रहेगा। ठीक है, मैं क्या कहा, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था, तो आपको 1950 में, याद रखना। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है आपका प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर एक क्या है, एक प्रोग्राम है आपका। तो आपके आंसर वे भौतिक कंपोनेंट जिनमें कंप्यूटर बनता है, ऑप्शन बी फर्मवेयर, ऑप्शन सी प्रोग्राम या ऑप्शन डी पीपल वेयर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रोग्राम्स। ठीक है, तो चलिए जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपका व्यापम, PSC SSC, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, BPSC है ना, बैंक वगैरह से एग्ज़ाम में, क्लर्क वर्ग से, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो रिपीट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे लेबर इंस्पेक्टर जिनके एग्ज़ाम 24 जून को हैं, शायद उनमें 2 से 3 नंबर यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उसी प्रकार हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर के 50 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइएगा, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, और आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा कि सभी लोग
अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे तो आपको मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और वीडियो में जो परफॉर्म है वो भी काफ़ी बेहतर रंग लेकर आएगा। ठीक है, तो MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ है? तो MS का मतलब होता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब है? 1995 में, याद रखना 1995। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए क्वेश्चन मैं दिया हूँ, ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोर, ऑप्शन बी गूगल क्रोम, ऑप्शन सी लिनक्स, ऑप्शन डी ओपन अपेक्स। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा गया, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने आंसर इंटरनेट एक्सप्लोर दिया है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि गूगल लिनक्स ओपन ऑफिस ये क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ओपन सोर्स का मतलब होता है, OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए निम्न, एक मिनट ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टोटल 30 हम MCQ करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, यानी कि मददगार साबित होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन सी त्रुटि को संभाला जाएगा? तो ये उपयुक्त सभी आएगा, बिजली की विफलता, प्रिंटर में कागज की कमी, नेटवर्क में कनेक्शन विफलता। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो मुख्य कार्य है आपका, फाइल सेव करना होता है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर पार्ट को कंट्रोल करना, जैसे कि आपका हार्डवेयर वाला पार्ट है और सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, इन दोनों को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, उसको मदद करेगा। यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उसी प्रकार सभी फाइलें होल्डर व्यवस्थित करना। ठीक है, तो चलिए इनमें से कौन सा OS नहीं है? OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है। तो देखिए एग्जाम में पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है ना, तो थ्योरी क्लास मैंने करा दिया है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। ठीक है, तो MUS एक OS नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि सिस्टम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जबकि यूनिस्क, डॉस या 9X ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इनमें से कौन सा मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है? तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? तो MVS एक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, OS सॉफ्टवेयर 2 एक मल्टी प्रोसेसिंग है, यूनिस्क एक मल्टी प्रोसेसिंग है, 9X एक मल्टी प्रोसेसिंग है। तो इसका एग्ज़ाम में आंसर जो लिया था सभी होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे सामान्य प्रकार क्या होता है? पता है आपको सिस्टम, तो कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन सी में, डिस्क एवं फाइल मेंटेनेंस किसका भाग है? तो आपका OS का ही भाग होता है। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक भाग है, तो इसका आंसर बी होगा। किसका उपयोग दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए किया जाता है? रन का मतलब क्या मतलब होता है? मतलब प्रोसेस करना होता है। ठीक है, तो किसका उपयोग सॉफ्टवेयर को रन करने किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा आंसर ए। ठीक है, कंप्यूटर एवं यूज़र के बीच जो लेयर होता है कौन सा काम करता है? देखिए मान लीजिए एक कंप्यूटर है, उसके बीच जो, देखिए कंप्यूटर एवं यूज़र, मान लीजिए एक कंप्यूटर है और हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठे हैं और यूज़ करते हैं, तो उन दोनों के बीच यानी हम दोनों के बीच जो लेयर है कौन सा काम करता है? तो सिस्टम ही काम कर रहा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम OS। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है कंप्यूटर यूज़र के बीच। ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन, लेबर इंस्पेक्टर या आने वाले एग्ज़ाम जैसे व्यापम, PSC की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ख़ास तौर पर वीडियो है जो आपके प्रिंटर वगैरह से, मल्टीमीडिया से पूछे जा रहे हैं, है ना। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं क्लास कराया था, यह पार्ट 2 वीडियो है,
उसी प्रकार मल्टीमीडिया से भी एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरनेट वगैरह प्रिंटर वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया या फिर हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से बिल्कुल क्लास कराया जा रहा है, ठीक है। वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे उसको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना। चलो, मैं बिल्कुल फ्री क्लास करा रहा हूँ, कोई भी पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, व्यापम और पीएससी एग्ज़ाम में। तो एंड्रॉयड क्या होता है? तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। एंड्रॉयड एग्ज़ाम में देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ व्यापम पीएससी में एग्ज़ाम में बार बार पूछ रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, यहाँ पर मैं डिटेल बता रहा हूँ कि एंड्रॉयड एक मोबाइल प्रचालन तंत्र जो ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल द्वारा विकसित, यह वो स्मार्टफोन या टैबलेट फ़ोन की तरह होता है। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर को हार्डवेयर में उपयोगी बनाना होता है। तो आपके आंसर ये हो जाएगा, एक इंटरनेट या इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मान लीजिए कि इंटरफेस है, वहाँ से दूसरे इसके पार इंटरफेस में भेजते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर कहलाता है, सॉफ्टवेयर का उपयोग ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। सीधे हार्डवेयर से कौन जुड़ा होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हार्डवेयर होता है आपका डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा होता है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है एक समय में एक से अधिक कार्य करने का जो माध्यम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम कहलाता है। इंटरप्रेटर कमांड का मुख्य कार्य होता है अगले उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट आदेश प्राप्त करना और निष्पादित करने के लिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए, लिनक्स जो है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूनिक्स का, ये सभी अलग हैं। तो इसका आंसर बी होगा, जो कि ओपन सोर्स पूछा गया है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है। नेक्स्ट है, जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी एग्ज़ाम में पूछा गया है ऑनलाइन, IBPSC, बैंक एग्ज़ाम ऑनलाइन वगैरह, रेलवे, RBI, UPSC या IBSC PSC या छत्तीसगढ़ ET, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए वो क्लास लेकर आया हूँ, जो कि आपका असिस्टेंट देख सकते हैं जितने कितने एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसी प्रकार आपके छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं हॉस्टल वार्डन, लेबर इंस्पेक्टर, शिक्षक भर्ती, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी यह क्लास लेकर आया हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम में संसाधन प्रबंधन के माध्यम से क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में संसाधन प्रबंधन के माध्यम से टाइम डिवीजन, एम यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग, उसी प्रकार एस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये आपके एग्जाम पहला और दूसरा में आया है, ठीक है। यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? यूनिक्स को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि कोई प्रक्रिया विफल हो जाती है, मान लीजिए कोई प्रक्रिया आपकी विफल हो जाती है, तो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटि जानकारी को खाली स्थान पर लिखते हैं, लॉन्ग फाइल पर लिखा जाता है, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल टाइम टू टाइम क्लास किया जा रहा है। आज तो पर 2 बजे ये भी क्लास स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। बाकी का और भी वीडियो की क्लासेस चलती है, आप लोग कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को क्या करोगे, सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख लोगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और कौन सी क्लास कितने टाइम रहती है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे बात जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप करके, वहाँ पर आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। साथ ही वहाँ पर आपको जितने भी एग्ज़ाम हुए रहते हैं वहाँ पर आपको बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर वीडियो मिल जाते हैं, ठीक है।
तो इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है, तो ये आपका होगा, बल्कि ये बी सी ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्स में क्या होता है, तो हाइब्रिड कर्नल होता है, ठीक है, हाइब्रिड कर्नल होता है। वह सिस्टम जो एक समय में केवल निष्पादन की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं, यूनिप्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डीसी प्लस है, नहीं है, ठीक है। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा में जो एग्ज़ाम में पूछा गया था इसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रक्रिया का अपना स्वयं का होता है, एड्रेस का अपर उपयोग हो जाएगा, एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वर्वेंस उसके पास ओपन फाइल्स एंड हो जाएगा, पेंडिंग एल्बम सिंगल एंड सिंगल यूजर हैंडल पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि यूनिस्क में कौन सा सिस्टम कॉल की नई प्रक्रिया बनता है, तो आपको फॉर्क, फॉर्क में नई प्रक्रिया का बनना होता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह एक प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाता है, तो आपका हो जाता है नॉर्मल ईस्ट फर्टल एरर क्लियर फॉर अंडर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ऐसी और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे ही जो वीडियो है आपको लाता रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक।